बहन साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस में सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आज दोस्तों अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जिन भी साथियों को मॉडल पेपर लेना है दोस्तों, वो मॉडल पेपर ले सकते हैं। आज मॉडल पेपर के कुछ नमूने, कुछ प्रश्नों को आज हम आपको बताने वाले हैं कि मॉडल पेपर में इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, उसको आप सभी देख सकते हैं। देखो, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है? तो सभी लोग बताएंगे आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर फटाफट से आंसर बताना है आपको, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है, बताइए। क्वेश्चन है आपके, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, नामवर सिंह ने, राम कुमार वर्मा ने, फटाफट बताएं द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आपको बताना ही है और सभी लोग आंसर बताएं फटाक से। राइट आंसर आपका जा रहा है कि सर जागरण सुधार काल की जो संज्ञा दी है वो दी है डॉक्टर नगेंद्र ने, यानी कि आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक नंबर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, कौन हिंदी को गवारू बोली कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हिंदी को गवारू बोली कौन कहते हैं? हिंदी को गवारू बोली कौन कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, आपको चयन करना है तो फटाक से बताइएगा हिंदी को गवारू बोली किसने कहा है। तो देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है, फटाफट से आंसर बताइए। प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर और प्रश्न क्रमांक 2 में आप लोगों ने बताया कि सर हिंदी को गवारू बोली जो कहने वाले हैं वो है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, यानी कि आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही है। सर सैयद अहमद खां आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर आपका सही हो जाएगा। कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 3 में। 3 में आपको चयन करना है, सभी लोग बताएं कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे। 3 नंबर का आंसर आपको चयन करना है और 3 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर कविता संवर्धनी सभा के जो संस्थापक थे वो संस्थापक थे कौन थे, बताएं जल्दी से। आपका राइट आंसर चला जाएगा भारतेंदु। क्या है सही आंसर कि सर कविता संवर्धनी सभा के जो संस्थापक थे वो थे भारतेंदु जी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 4, उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन है, इसका आंसर आपको चयन करना है, सभी लोग बताएं उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन है, ये आपका प्रश्न है, इसका आंसर आपको चयन करना है। और सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर उत्तर भक्तमाल अगर आप पूछ रहे हो तो उत्तर भक्तमाल के जो रचनाकार हैं बताएं, सभी का आंसर आ गया कि सर उत्तर भक्तमाल, ये भारतेंदु जी की रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। ठीक है, और नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी, उत्तर भक्तमाल भारतेंदु जी, भक्तमाल नाभादास। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5 में आपको बताना है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, किससे मानी है, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक आपका 5 है, 5 का राइट आंसर आपको चयन करना है, 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, प्रश्न क्रमांक आपका 5 है और 5 में सीधा आंसर देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है इस प्रश्न को। 5 में रामस्वरूप चतुर्वेदी का पूछा है, गलत कर जाएंगे बहुत सारे लोग। कुरैसी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, और बहुत सारे लोगों ने डी लगा दिया, यही गड़बड़ होता है आप लोगों के साथ। आपको पता है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस से माना है, राउस से दोस्तों रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। यहां पर आपका उत्तर है एक नंबर, राउस से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले कौन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कृषक क्रंदन एक किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 6,
कृषक क्रंदन की रचनाकार कौन है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही, निर्मल वर्मा, हरिओद या फिर कृष्णा शोपती? प्रश्न क्रमांक आपका 6 है, 6 का आंसर आपको बताना है। कृषक क्रंदन किसकी रचना है ये सभी लोग बताएं। कृषक क्रंदन की रचनाकार कौन है इसका आंसर बताना है। और प्रश्न क्रमांक 6 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर कृषक का क्रंदन गया, कृषक का क्रंदन अब गया, गया तो गया प्रसाद शुक्ल शनेही, यानी कि आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषक का क्रंदन गया, गया से क्या बनेगा? गया प्रसाद शुक्ल शनेही, ठीक है, ये नंबर आपका राइट आंसर, वेरी गुड। प्रेम राज्य काव्य के लेखक कौन है? प्रेम राज्य काव्य के लेखक कौन है इसका आंसर आपको बताना है। प्रेम राज्य काव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 7 में आपको चयन करना है। प्रेम राज्य काव्य के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 7, और बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, कौन है प्रेम राज्य, किसकी रचना है ये बताना है। बताइए प्रेम राज्य किसकी रचना है? क्वेश्चन थोड़ी सी दोस्तों डिफरेंट अलग होंगे, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन। प्रेम राज्य की रचनाकार कौन है? और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर प्रेम राज्य जो काव्य है ये काव्य जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, प्रेम राज्य की जय, प्रेम राज्य की जय, यानी ये नंबर आपका सही है, ये नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन, मुक्तिबोध अज्ञेय या फिर नाथुराम शर्मा शंकर को? अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 8 में आपको चयन करना है। बताएं अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है 8 नंबर में, और 8 नंबर में आपका सही आंसर है कि सर अवध का किसान कवि पूछा है, तो अवध के किसान कवि के पास कितने लोचन हैं? त्रिलोचन है, 3 लोचन है, ये नंबर आपका त्रिलोचन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों, विकलांग श्रद्धा का दौर ये किसकी रचना है आपको बताना है। विकलांग श्रद्धा की दौर, श्रद्धा का दौर ये किसकी रचना है? क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ देना। विकलांग श्रद्धा का दौर ये रचना किसकी मानी जाती है? कृष्णा शोपती की, बताइए यशपाल, हरिशंकर परसाई या फिर धूमिल? विकलांग श्रद्धा का दौर ये रचना के लेखक कौन है ये प्रश्न क्रमांक 9 में आपको बताना है। और विकलांग श्रद्धा का दौर यानी कि हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई और सी नंबर आपका सही है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड इसके लेखक कौन है? प्रगतिशील साहित्य के मानदंड के लेखक कौन माने जाते हैं जल्दी से बताओ? प्रगतिशील साहित्य के मानदंड के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक आपका 10 है और 10 में आपको चयन करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताएं कुरेशी जी, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 10 में, और 10 में आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोले सर प्रगतिशील साहित्य के मानदंड के जो रचनाकार हैं वो हैं रांगे राघव, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे, कुछ लोग सी लगा रहे, जबकि आंसर है आपका रांगे राघव, यानी कि आपका जो 1 नंबर है रांगे राघव वो बिल्कुल सही है। कोई मुक्ति बोध बता रहा है, कोई रामविलास शर्मा बता रहा है, लेकिन आपका सही आंसर है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड रांगे राघव, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लो, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली बताना है। छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली बताना है। छत्तीसगढ़ी बोली है तो क्या है ये दोस्तों? आपके मॉडल पेपर से ही उठाया है मैंने, मॉडल पेपर जो आपके लिए जूनियर टेट के लिए बनाया है, उन्हीं जूनियर टेट के मॉडल पेपर से आपके लिए ये प्रश्न उठा करके लेकर आए हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी आपको मान्य अपन ने पढ़ा है, अब छत्तीसगढ़ी यानी कि पूर्वी हिंदी, ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। नामदेव के, सहजोबाई, कबीर या फिर दादू दयाल के? कई बार मैंने ट्रिक से याद करवाया इस क्वेश्चन को। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। और उत्तर प्रश्न क्रमांक 12 में आपका सही आंसर हो जाएगा नामदेव। नामदेव के भक्ति परक गीतों का जो संकलन है वो अभंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 13, महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है ये आपको चयन करनी है। बताते जाएं फटाफट से क्या हो जाएगा सही आंसर। महादेवी वर्मा जी जिनका जन्म हुआ था 1907 को और इनकी बौद्ध दर्शन से प्रभावित जो रचना है वो रचना कौन सी है ये आपसे पूछा गया, और आपका उत्तर है डी नंबर यानी कि रश्मि। रश्मि यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, डी राइट आंसर, वेरी गुड। बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? रश्मि, डी नंबर। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य या फिर कंठ? पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। जिन भी साथियों को जूनियर सुपर टेट के टॉप 2000 प्रश्नों की दोस्तों क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। टॉप 2000 क्वेश्चन के 20 टेस्ट बनाए गए हैं, जिनको भी करना है अभी आप लोगों के लिए ऑफर है, ठीक है, आप लोग कहें तो और अच्छा ऑफर आप लोगों के लिए दे देंगे जितने भी हमारे साथी हैं। सिर्फ आप बताएं कि सर हमें प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग बता सकते हैं। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है 14 का आंसर, और 14 में आपका राइट आंसर जा रहा है ओष्ठ है। ओष्ठ यानी कि बी नंबर आपका सही है, ओष्ठ आपका राइट आंसर है। शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 15 में। शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। और 15 में आपका देखो पर्यायवाची कौन कौन सही बता रहा है, शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है प्रश्न क्रमांक 15, और 15 में आपका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चंद्रमा, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द है क्या है, चंद्रमा है, ठीक है, सी नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धरती अब भी घूम रही है कहानी के कहानीकार कौन है? धरती अब भी घूम रही है कहानी के कहानीकार कौन है प्रश्न क्रमांक 16 बताइए, ज्ञान रंजन, यशपाल, विष्णु प्रभाकर या फिर जैनेन्द्र कुमार? धरती अब भी घूम रही है इसके कहानीकार कौन है इसका आंसर बताना है 16 में, और 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर यानी कि सी नंबर, ठीक है, सी नंबर, वेरी गुड। धरती अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर, सी नंबर, विष्णु की कृपा से अब भी घूम रही है। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को दिया गया, किस कवि को दिया गया हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार? क्वेश्चन, दिनकर, पंत, नरेश मेहता, महादेवी वर्मा को? हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया ये आपसे 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को दिया गया प्रश्न क्रमांक 17 में, और 17 का आंसर है आपका सुमित्रानंदन पंत को, और किस रचना के लिए दिया गया, चिदंबरा के लिए दिया गया, ठीक है, चिदंबरा, बी नंबर आपका चिदंबरा बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है बताइए, सुजान विनोद, सुजान विनोद किसकी रचना है, घनानंद की,
कबीर देव या फिर पद्माकर की। देखो बहुत सारे लोग गलत बताएंगे। अब सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 18 में आपको चयन करना है। और देखो घनानंद बता दिया कमला ठाकुर जी ने, और बताओ अजय शर्मा जी ने घनानंद लिख दिया, और बताओ, और बता दिया रोहित कुमार जी ने घनानंद, कालिंदी जी ने घनानंद बता दिया, बहुत बढ़िया। और बता दो घनानंद कौन कौन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। यही तो गड़बड़ होता है, पुलिस सर बन रहा था लेकिन गलत करके आ गए। मैंने याद करवाया था सुजान को विनोद देव, विनोद देव अपन ने याद किया था, सुजान को विनोद देव, तो देव से क्या हो जाएगा, देव कवि की रचना है, यानी सी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आधुनिक काल के गोरखनाथ किसे कहा जाता है? आधुनिक काल के गोरखनाथ किसे कहा जाता है बताइए? आधुनिक काल के गोरखनाथ नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, दिनकर या फिर महादेवी वर्मा? हाँ, सुजान सागर घनानंद की है, वेरी गुड कुरैशी जी। और आधुनिक काल के गोरखनाथ, गोरखनाथ किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 19 में और 19 में बिल्कुल सही है कि सर आधुनिक काल के गोरखनाथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बाल गोविंद जी नागार्जुन बता दिया, बहुत सारे नागार्जुन को तो कबीर कहा जाता है, आधुनिक काल का कबीर, आधुनिक काल का कबीर नागार्जुन को कहा जाता है। आधुनिक काल का गोरखनाथ पूछा है आपसे, तो गोरखनाथ कहा जाता है निराला जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी नंबर आपका सही है, निराला जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। नागार्जुन जिन्होंने बताया वो सुन लो कि नागार्जुन को कबीर कहा जाता है। सहजता का कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 20 में सहजता का कवि, यही गलतियां होती हैं, सहजता का कवि रस खान, शिव पूजन सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर दुष्यंत को? सहजता का कवि किसे कहा जाता है? ये बढ़िया आंसर है, प्रश्न पूछा गया आपसे 20 नंबर में और बहुत बढ़िया आंसर बताया राम किशन जी ने कि सर सहजता का कवि तो भवानी प्रसाद को कहा जाता। मोहित जी बहुत बढ़िया है ना, शांति देवी जी 20 का बी बता रहे, शिव पूजन सहाय बता दिया इनने, ममता जी ने भी बता दिया उन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्रजेश जी ने भी बी बता दिया, आपको पता होनी चाहिए मंजू जी, भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। मैं देख रहा हूँ सबके कमेंट आज, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 21, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अधिक लाभ कमाना, रिश्वत देना, परास्त कर देना या फिर धोखा देना? चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये आपसे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 21 में। और देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। बहुत बढ़िया, लगभग अधिकांश लोगों ने सही बताया है, लगभग अधिकांश क्या सभी लोगों ने सही बताया है, और रिश्वत देना यानी कि चांदी का जूता मारना, बी नंबर राइट आंसर। नेहा राय जी ने बस ये बता दिया, आरती वर्मा ने ये बताया, बी है बी, रिश्वत देना बी नंबर सही। प्रैक्टिस करिए इनकी, आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? फिर गलत करेंगे आप लोग, आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 22 में बताइए, आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 22 में बताइए, 22 का राइट आंसर आख्यायिका शैली का बताना है प्रथम उपन्यास कौन सा है, और आपका राइट आंसर चला गया कि सर आख्यायिका शैली की बात करते हो तो उपन्यास है श्यामा स्वप्न, ये नंबर आपका राइट आंसर, वेरी गुड, ये नंबर बहुत बढ़िया आंसर। उतना वह सूरज है रचना के लेखक कौन है? उतना वह सूरज है रचना के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए? उतना वह सूरज है
ये रचना के जो लेखक हैं वो लेखक कौन हैं? श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन, वेरी गुड कुरेशी जी। 23 का आंसर आपको बताना है और 23 में आपका आंसर चला जा रहा है कि सर उतना वह सूरज है, ये जो रचना है ये रचना है भारत भूषण अग्रवाल की। सी नंबर आपका बिल्कुल सही। अपने क्वेश्चन गिनते जाओ कितने गलत कर रहे हैं आप लोग। भारत भूषण अग्रवाल, वेरी गुड। जिस छंद के पहले 4 चरणों में रोला और बाद में दोस्तों ये 2 चरण में उल्लाला होता है, उसमें 24-28 मात्राओं के योग से 52 मात्राएं होती हैं, उस छंद का नाम आपको बताना है। पहले 4 चरणों में रोला और बाद में दोस्तों बताना है आपको 2 चरण में उल्लाला होता है, उसमें 24-28 मात्राओं के योग से 52 मात्राएं होती हैं, वो छंद कौन सा है? हरि गीतिका, गीतिका, कुंडलियां या फिर छप्पय? 24 का आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 का आपको चयन करना है और बहुत बढ़िया आंसर आया सभी लोगों का कि सर जो है 24-28 की मात्राओं के योग से 52 मात्राएं होती हैं तो वो होता है छप्पय छंद। छप्पय छंद, एक और क्वेश्चन, छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है? छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है? एक और क्वेश्चन बताना प्रवीण ओझा जी, ये छप्पय हरि गीतिका में 52 मात्राएं नहीं होती आए हरि गीतिका में, ये छप्पय यानी कि डी नंबर आपका छप्पय सही है। सारंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सारंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नमक, सारथी, मोर या फिर घोड़ा? सारंग का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 25 में बताएं। और छप्पयों का राजा चंद बरदाई को कहा जाता, बिल्कुल सही है, ठीक है। और सारंग का जो पर्यायवाची शब्द है वो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों क्या? मोर। क्या है? मोर। यानी आपका उत्तर सी नंबर जो है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत है, तो निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत क्या है? द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद? तो आपको पता है दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद के तो वल्लभाचार्य माने जाते हैं, है ना, अद्वैतवाद के तो शंकराचार्य माने जाते हैं, ठीक है, और द्वैतवाद के माने जाते हैं मध्वाचार्य। तो द्वैताद्वैत यानी देत थक गए, तो निम्बार्काचार्य, और इसको शनक संप्रदाय भी कहा जाता है। शनक, ये क्वेश्चन आता है शनक संप्रदाय के कौन है, तो शनक संप्रदाय के कौन है? निम्बार्काचार्य, ठीक है, ये नंबर आपका सही है। हिंदी में पहली बार वारहमासा का वर्णन किस रासो ग्रंथ में हुआ है? पहली बार बारहमासा का वर्णन किस रासो ग्रंथ में हुआ है? परमाल रासो में, खुमाल रासो, बीसल देव रासो या फिर हमीर रासो में? चयन करना है आपको। हिंदी में पहली बार बारहमासा वर्णन किस रासो ग्रंथ में हुआ है? प्रश्न क्रमांक 27 में आपको चयन करना है और 27 का आंसर आपका चला जाएगा। क्या चला जाएगा कि सर पहली बार बारहमासा का जो वर्णन हुआ है वो हुआ बीसल देव रासो। ये रचना श्रृंगारिक रचना है और इसके रचनाकार कौन है? नरपतिनाल, ठीक है, ये अजमेर के शासक से संबंधित रचना है। सी नंबर आपका सही है। अनाथ का विलोम शब्द क्या है? अनाथ का विलोम शब्द आपको बताना है 28 में। अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? धनी, सनात, निर्धन या फिर बेकार? अनाथ का विलोम बताना है आपको। देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है, और लगभग अधिकांश लोगों ने सही बता दिया कि सर अनाथ का विलोम होता है सनात। अनाथ का विलोम क्या होता है? सनात, ठीक है, यानी कि आपका बी नंबर आपका सही है। यहाँ पर बी नंबर सही है ममता जी, 28 का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? 29 मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है आपसे पूछा गया है,
29 का क्वेश्चन, और 29 में आपको बताना है क्या है मूल गोसाई चरित के रचनाकार। और सभी लोग लगभग सही आंसर बता रहे हैं कि सर मूल गोसाई चरित के जो रचनाकार हैं वो हैं बेड़ी माधव दास, यानी आपका जो बी नंबर है बेड़ी माधव दास, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बेड़ी माधव दास राइट आंसर है। रस रतन के रचेता कौन है, रस रतन के रचेता कौन है, 30 का आंसर आपको चयन करना है, 30 में आपको बताना है रस रतन के रचनाकार कौन माने जाते हैं, और सीधा आंसर आपको बताना है, राइट आंसर चले के ये विश्वास जी, रस रतन के रचनाकार कौन है, बहुत बढ़िया, राइट आंसर पोहकर कवि, कौन है, पोहकर कवि हैं, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, पोहकर कवि। सा का उच्चारण स्थान बताइए दोस्तों, षटकोण वाले सा का उच्चारण स्थान, कंठ है, दंत है, तालु या फिर मूर्धा, क्या है सा का उच्चारण स्थान आपको चयन करना है, चयन करिए। प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर, और 31 में आपका सही आंसर क्या जा रहा है, देखते हैं कौन कौन का आंसर सही आ रहा है। 31 में और बहुत बढ़िया आंसर आ गया कि सर ये मूर्धा सही है, सा का उच्चारण स्थान डी नंबर। कामायनी का सर्ग नहीं है तो कौन सा सर्ग नहीं है बताइए, थर्टी टू का आंसर, कामायनी का कौन सा सर्ग नहीं है। अब मैंने आपसे बोला था कि आपको कामायनी के अगर 15 सर्ग याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, अगर 15 सर्ग याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर पाओगे, गलत कर पाओगे, लेकिन आपको कामायनी के 15 सर्ग जितने भी सर्ग यहां से क्वेश्चन आता है ये पूरे सर्ग क्रमबद्ध याद होनी चाहिए 32 में, और 32 में आपका राइट आंसर इच्छा, इच्छा ये कामायनी का सर्ग नहीं है, बाकी आपका श्रद्धा लज्जा ईर्ष्या ये हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ममता जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, डी नंबर राइट आंसर। प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन का, बौद्धों के पतन का, पतन के काल का है दोस्तों, पतन के काल का है, प्रसाद जी का वह नाटक कौन सा है जिसका कथानक बौद्धों के पतन के काल का है, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, राजश्री या फिर विशाख। प्रश्न क्रमांक 33 में और सही आंसर जा रहा है 33 का, 33 में आपका सही आंसर चला जाएगा कि सर ये जो विशाख है, विशाख ये बिल्कुल सही है, इसका कथानक बौद्धों के पतन का कथानक माना जाता है, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा, मुसरत निशा जी डी नंबर है, डी नंबर, ठीक है, वेरी गुड, डी नंबर जिन्होंने बताया, मीनम जी डी नंबर है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 34वां प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है, अलका, कल्याणी, मालविका या फिर कॉर्नेलिया, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है, 34 का आंसर आपको चयन करना है, और 34 में सभी लोग लगभग सही बता रहे हैं कि सर चंद्रगुप्त की जो नायिका है वो नायिका कौन है, 34 में कॉर्नेलिया, बहुत बढ़िया, डी नंबर आपका सही है। गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध के लेखक कौन है, गांधीवाद की 100 परीक्षा ये निबंध के लेखक कौन है, 35 का आंसर बताना है, 35 में गांधीवाद की 100 परीक्षा, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर सही बता रहे हैं, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, गांधीवाद की 100 परीक्षा इस निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, 35 का राइट आंसर बताना है, और देखते हैं कौन कौन सफल होता है इस क्वेश्चन में। कमला जी ईला चंद्र बता रही, और बताओ गांधीवाद की 100 परीक्षा, शशि जी ने भी ईला चंद्र बता दिया, ब्रजेश जी ने भी बता दिया, बहुत बढ़िया, और बताओ प्रवीण जी हरिशंकर परसाई बता रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, रामकिशन जी ने बता दिया है कि सर ये जो है ये यशपाल का है,
गांधीवाद की सौ परीक्षा निबंध के रचनाकार हैं यशपाल, यानी डी नंबर आपका यशपाल बिल्कुल सही है। डी नंबर वालों का राइट आंसर, वेरी गुड। लहू पुकारे आदमी कहानी के कहानीकार कौन है? लहू पुकारे आदमी, लहू पुकारे आदमी ये किसकी कहानी है? कमलेश्वर, शिवप्रसाद सिंह, मार्कंडे या फिर मधुकर, मधुकर सिंह। छत्तीस में चयन करना है। लहू पुकारे आदमी, बताएं ये किसकी कहानी है? अर्चना पाल जी ए बता रही हैं, मंजू जी सी बता रही हैं, भाभी शिक्षिका सी बता रही हैं 36 का, और बताओ नेहा जी ने भी सी बता दिया, आज तो लाइन लगी सी की, बबीता जी ने भी सी, बहुत बढ़िया। के एम जोशी कहे कि मार्कंडे को ज़्यादा जानते आप लोग, लहू पुकारे आदमी है ना, और जिन्होंने मधुकर बताया है, मधुकर उनका आंसर सही है, लहू पुकारे आदमी ये मधुकर सिंह की रचना है। किसकी है? मधुकर सिंह की कहानी है। डी नंबर आपका सही है। लहू पुकारे आदमी काय के लिए पुकारे? बोले मधु के लिए पुकारे, मधु, ठीक है, पुकारे आदमी या लहू पुकारे आदमी मधु के लिए, मधु के लिए तो मधुकर सिंह, ठीक है। बांग्ला कहानी सेल्सिमा बेगम का हिंदी रूपांतरण है, बताइए, रसिया बालम, दुखबा में कांसू कहूं मोरी सजनी, दुलाई वाली या फिर बेटों वाली विधवा। बांग्ला कहानी सेल्सिमा बेगम का हिंदी रूपांतरण है, तो कौन सी रचना है? 37 का आंसर, 37 में आपको चयन करना है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बांग्ला कहानी सेल्सिमा बेगम, बेगम बताइए, तो उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहां पर? दुखबा में कांसे कहूं मोरी सजनी, ठीक है, दुखबा में कांसे कहूं मोरी सजनी किसकी है ये कहानी, ये बताइए ये किसकी है, इसके रचनाकार भी आपको बताना है। बी नंबर तो आपने बिल्कुल सही बता दिया, बाकी इसके रचनाकार भी बताइए। जहां कोई साधारण बात कहकर उसकी किसी विशेष बात से समानता बताई जाए, ठीक है, जहां कोई साधारण बात कहकर उसकी किसी विशेष बात से समानता बताई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 38 में। जहां कोई साधारण बात कहकर उसकी किसी विशेष बात से समानता बताई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न क्रमांक आपका 38 है, और 38 में देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है, दुखबा में कांसू कहूं मोरी सजनी। प्रश्न क्रमांक 38 में, जहां कोई साधारण बात कहकर उसकी किसी विशेष बात से समानता बताई जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो लगभग बहुत सारे लोगों ने सही बताया है कि सर यहां पर भ्रांतिमान नहीं होता, भ्रांतिमान नहीं, संदेह भी नहीं, विभावना भी नहीं, थोड़े से चार विकल्प को अब यहां पर आपको देखना है दोस्तों। आपको उदाहरण की बिल्कुल परिभाषा याद नहीं, भ्रांतिमान की तो है ही, कि जहां पर दोस्तों भ्रम जो है क्या है, ये भ्रम पक्का हो जाता है, संदेह अंत तक बना रहता है। विभावना में दोस्तों क्या होता है? विभावना में विभावना और विशेषोक्ति एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और जहां कोई साधारण बात कहकर उसकी किसी विशेष बात से, तो उदाहरण जैसे अपन बोलते ना, है ना, क्या एक गाना है ना, वो वाला कौन सा गाना है, एक सड़क 57 गलियां रचना के लेखक कौन है? एक गाना नहीं सुना आप लोगों ने, तेरी अखियां कमाल जैसे, ऐसे कुछ आता ना, तो जैसे से उसकी समानता बताई जाती है। तो ऐसे उदाहरण दे करके अपन बोलते ना, कोई भी चीज ऊपर लिखते, परिभाषा लिखते हैं, फिर जैसे लिख करके क्या करते, उसके बारे में बताते, तो उससे समानता बताई जाती है, तब उदाहरण अलंकार होता है। एक सड़क 57 गलियां रचना के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 39 में, एक सड़क 57 गलियां और 39 में राइट आंसर है। बोले सर इसके रचनाकार हैं कौन कौन है? कमलेश्वर, एक सड़क 57 गलियां, ये बी नंबर आपका सही है, कमलेश्वर जी इसके लेखक हैं, बी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। यहां पर देखो, बट वृक्ष की छाया में जीवन साहित्य के लेखक कौन है? बट वृक्ष की छाया में, बहुत अच्छा,
जीवनी साहित्य, इसके रचनाकार कौन है? 40 में बताना है, बट वृक्ष की छाया में, बट वृक्ष की छाया में जीवनी साहित्य के लेखक कौन है? ये 40 नंबर का प्रश्न है और 40 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर बट वृक्ष की छाया में ये जीवनी के रचनाकार हैं, कौन है? कुमुद नागर। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। गालिब छूटी शराब आत्मकथा के लेखक कौन है? गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है? बनेगा आप लोगों से, गालिब छूटी शराब, ठीक है, गालिब छूटी शराब। मैंने कई बार आपको बताया है कि मैं बता दे रहा हूं आज और कि जिस जो पति क्या होते हैं, शराब पीते हैं, जो पति शराब पीते हैं उनकी पत्नियों को कालिया बन जाना चाहिए। क्या बनना है? कालिया। एक बार क्या हुआ कि एक पति शराब पीता था तो उसकी पत्नी बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। उसकी पत्नी ने भी एक बार क्या किया, वो भी एक बोतल लेके आई और बीच बाजार में सड़क पे खड़े होके फिर उसने भी पी। उस दिन का दिन है कि उस व्यक्ति ने फिर शराब नहीं पी। तो बोले सर गालिब छूटी शराब, कैसे छूटी शराब? अरे बोले पत्नी कालिया बन गई थी। क्या बन गई थी? पत्नी कालिया बन गई थी। तो रविंद्र कालिया, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कालिया बन जाना अपन को भी। पिंजरे में मैना आत्मकथा की लेखिका कौन है? पिंजरे में मैना आत्मकथा की लेखिका कौन है? राजी सेठ, मन्नु भंडारी, चंद्रकिरण सोनरिक्सा या फिर शिवानी? पिंजरे में मैना, बोले हम पिंजरे में मैना को लेकर के कहाँ जाएंगे? रिक्शा पर जाएंगे, रिक्शा पर, रिक्शा। पिंजरे में मैना रिक्शा यानी सोन रिक्शा, सी नंबर सही है, सोन रिक्शा। ठीक है, सोन रिक्शा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। बेदिन बेलोग रेखा चित्र के लेखक कौन है? बेदिन बेलोग, डॉक्टर नगेंद्र, महेंद्र भटनागर, शिवपूजन सहाय, सेठ गोविंद दास। बेदिन बेलोग रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है दोस्तों, 43 का आंसर आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, शायद TGT या PGT में पूछा गया था, 43 में। और 43 में आपका सभी को पता होगा कि बेदिन बेलोग शिव पूजन सहाय। ठीक है, सी नंबर आपका सही है, शिव पूजन सहाय, वेरी गुड। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कथन किस ग्रंथ का है दोस्तों? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मकम काव्यम, ये बताना है आपको। सभी लोग बताएंगे ये कथन किसका है, किस ग्रंथ से लिया गया है। और यहाँ पर 44 का आंसर, 44 में सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर ये जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम है, देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है 44 में। बहुत सही 44 में ए लगा दिया पूनम जी ने, और बताओ, और ये लगा दिया मोहित जी ने, बहुत बढ़िया। ब्रजेश जी ने भी ये लगा दिया, मीनम जी ने ये लगा दिया, है ना, बहुत बढ़िया। श्याम लता जी पांडे ने भी ये लगा दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये वाले अन्नापूर्णा मिश्रा जी ने भी लगा दिया, बहुत बढ़िया, है ना। सूरमणि दुबे आपने भी लगा दिया ए। ये वाले साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही करो आप लोग। ये परिभाषा किसने दी थी? विश्वनाथ ने, है ना, रसात्मकम वाक्यम काव्य। विश्वनाथ का ग्रंथ कौन सा है? साहित्य दर्पण। कौन सा है? साहित्य दर्पण। ठीक है, तो इसी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये नाट्यशास्त्र तो भरत मुनि का, भरत मुनि ने थोड़ी दी परिभाषा, ये विश्वनाथ ने दी थी, ये साहित्य दर्पण से ली गई। करुण रस के स्थाई भाव का नाम क्या है? करुण रस के स्थाई भाव का नाम क्या है? 45। करुण रस के स्थाई भाव का नाम क्या है? क्रोध, शोक, निर्वेद या फिर इनमें से कोई नहीं। करुण रस के स्थाई भाव का नाम क्या है, ये आपको बताना है 45 का, 45 में आपको। और सरल है कि सर करुण रस का स्थाई भाव जो है शोक है, वेरी गुड, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ठेस शब्द है संकर, तत्सम, तद्भाव या फिर देशज? ठेस कैसा शब्द है? ठेस कैसा शब्द है? संकर शब्द है, तत्सम है, तद्भाव है या फिर देशज है? प्रश्न क्रमांक आपका 46 है,
और 46 में आपने सही बताया है कि सर जो ठेस शब्द है ये ठेस शब्द है देशज। कैसा शब्द है ये? देशज शब्द है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। मुहावरा किस भाषा का शब्द है बाल गोविंद जी? मुहावरा बताना है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 47 नंबर। अपन मुहावरे पढ़ते तो हैं लेकिन मुहावरा किस भाषा का शब्द है ये भी अपन को पता होनी चाहिए। 47 में 47 का आंसर चयन करिए। मुहावरा किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। 47 का आंसर, और 47 में आपका सही जा रहा है कि सर जो मुहावरा है ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी। अरबी का है बाल गोविंद जी, अरबी यानी बी नंबर। ठीक है, अरबी का शब्द है मुहावरा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा 47 में। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू, प्रश्न क्रमांक 48। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, अरबी या फिर संस्कृत। उर्दू किस भाषा का शब्द है प्रश्न क्रमांक 48 में? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, उर्दू किस भाषा का शब्द है ये पूछा गया, और आपका शायद जो क्वेश्चन है वो जा रहा है तुर्की। बहुत बढ़िया राम किशन जी, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हिंदी शब्द है बताइए, हिंदी किस भाषा का शब्द है? उर्दू भाषा का, अरबी भाषा का, अवधी भाषा का या फिर फारसी भाषा का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 49 का आंसर। 49 में बताइए, उर्दू तुर्की भाषा का है, हिंदी बताना है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है ये आपको चयन करना है। और देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है हिंदी, और सही आंसर चला गया कि सर हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, यानी आपका डी नंबर जो चला गया वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, डी नंबर आपका राइट आंसर है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? 50 का आंसर, 50 का राइट आंसर बताना है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 50 में आपको चयन करना है, उन्हें क्या कहते हैं? और संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं प्रश्न क्रमांक 50 में, उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द। ठीक है, नील कमल में उत्तर पद कमल, और बताना है आपको कमल क्या है? उत्तर पद जो कमल है ये कमल क्या है? विशेषण है, विशेष है, विशेष विशेषण है या फिर इनमें से कोई नहीं? नील कमल, नील कमल में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि उत्तर पद जो कमल है वो क्या है, बताएं फटाक से बताएं 51 का आंसर, और 51 में सभी लोग बताएंगे। 51 का राइट आंसर, देखो बहुत सारे लोग सी बता रहे, मोहित जी ने सी बता दिया, और बताओ क्या बता रहे कौन कौन, और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर जो कमल है ये कमल विशेष है, और जो नील है वो क्या है? विशेषण है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाता है, और जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। तो नील यहां पर क्या है? विशेषण, क्योंकि नील कमल, यानी कि दोस्तों कमल क्या है? विशेष, और नील विशेषता बता रहा है कि कमल जो है वो नीला है ना, तो याद रखते ना ये विशेषण और विशेष, तो यहां पर कमल क्या है? विशेष, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या फिर सार्वनामिक विशेषण है? साप्ताहिक का बताना है प्रश्न क्रमांक 52 में। फटाफट आंसर बताएंगे तो मजा आएगा आपको भी, और जल्दी से, और देखते जाएं कितने नंबर आपके आ रहे हैं। साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है यहां पर प्रश्न क्रमांक 52 में, और 52 में
आपने बिल्कुल सही आंसर बताया कि जो साप्ताहिक जो है ये संख्यावाचक है, यानी बी नंबर आपका करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है? 53 में आपको चयन करना है, समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है, ये 53 का आंसर आपको चयन करना है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लोग ये तो समूहवाचक है, गण ये भी समूहवाचक है, वर्ग ये भी समूहवाचक है, तो समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रेस, प्रेस यानी डी नंबर प्रेस आपका बिल्कुल सही है, प्रेस जिन्होंने बताया राइट आंसर। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? 54 का आंसर, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? कुसुम, चप्पल, लिखावट या फिर सुमन, यानी कि 54 का आंसर आपको चयन करना है। प्रत्यय से किसकी रचना हुई है आपको चयन करना है, बताइए अंकित गुप्ता जी। तो अधिकांश लोग 54 में चयन कर रहे हैं सर, सी नंबर लगा दो, वेरी गुड, लगा दिया सी नंबर, लिखावट, ठीक है, सी नंबर सही, वेरी गुड। आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है 55 में? प्रश्न क्रमांक 55 में आपको चयन करना है कि आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, और अधिकांश लोग बता रहे हैं, कौन कौन सही बता रहे हैं? हर्षिता जी बताइए, कितने प्रकार के? 8 बता दिया सूरमणि जी ने, और बताओ, 8 बता रहे हैं, और कौन? सुषमा जी, और बता दो, और बता दो, कल्पना जी ने भी 8 बता दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी नंबर वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, 2 भी नहीं, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं, कितने? 4। भरत ने, आचार्य भरत ने या भरत मुनि ने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है, कितने अलंकारों का? 4 अलंकारों का, 8 रस, रस 8, ये 8 के चक्कर में आपने गड़बड़ कर दिया, रस के चक्कर में गड़बड़ कर दिया प्रश्न डी वालों ने, क्योंकि भरत मुनि ने 8 रस माने और 4 अलंकार, यही होता है गड़बड़, पूछा अलंकार था बता दिया रस, बहुत बढ़िया, 8 रस 4 अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 56 का आंसर आपको बताना है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं आपको बताना है, राइट आंसर 5, 3, 4 या फिर 2। अनुप्रास अलंकार आपने पढ़ा है, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, बोले कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अब अनुप्रास के कितने भेद होते हैं बताइए? 5 होते, 3, 4 या फिर 2 होते हैं? 56 का आंसर कितने होते हैं? राइट आंसर चला गया 5। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, 5 भेद, ये नंबर बिल्कुल सही, वेरी गुड। जब किसी अत्यंत प्रशंसा के लिए कोई बात बहुत चढ़ाई, प्रशंसा है दोस्तों, जब किसी अत्यंत प्रशंसा के लिए कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर कही जाती है, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जब किसी अत्यंत यानी कि अति वाली प्रशंसा के लिए कोई बात बड़ा चढ़ाकर कही जाती है, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति देखो कैसा लिखा जाता है, ये अतिशयोक्ति सही है, कभी कभी ये वाक्य शुद्धि में भी, ये शब्द शुद्धि में भी आता है दोस्तों, तो आप लोग क्या करते हो, आधा सा लगा के योक्ति कर देते हो, ये अतिशयोक्ति ये वाला गलत है, अतिशयोक्ति पूरा सा आता है, इसको याद रख लेना, तो आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही, अतिशयोक्ति राइट आंसर, वेरी गुड। कौन सा अर्थालंकार है? अर्थालंकार कौन सा है? 58 में आपको अर्थालंकार और शब्दालंकार पता होनी चाहिए दोस्तों, मैं जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें मैं बता रहा हूं वो पूरे आपको याद होनी चाहिए। शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर आपसे अर्थालंकार पूछा गया है, तो अर्थालंकार कौन सा होता है? प्रश्न क्रमांक 58 में आपको चयन करना है, अर्थालंकार के अंतर्गत कौन सा आता है। तो बहुत सारे लोगों ने, है ना, रेखा जी बी बता रही हैं, मार्क नहीं, अनुप्रास भी नहीं, श्लेष भी नहीं, अर्थालंकार के अंतर्गत आता उपमा, याद कर लेना अब इसको, बहुत सारे लोगों ने गलत बताया है,
कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, याद रख लेना। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उपमा ही बताया है, डी नंबर आपका सही है। लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए कि अर्थालंकार के अंतर्गत कौन आते हैं और शब्दालंकार के अंतर्गत कौन आते हैं। अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? अतनु का ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या फिर बसंत। अतनु का पर्यायवाची शब्द आपको चयन करना है। 59 का उत्तर आपको बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सीधा सीधा आंसर आपको बताना है और आंसर आपका जा रहा है कौन सा जा रहा है? अतनु। अतनु का बताना है लक्ष्मी भट्ट जी, सही बताया लगभग सभी लोगों ने कि सर अतनु तो कामदेव का पर्यायवाची है। सी नंबर राइट, वेरी गुड। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? सरस्वती का पर्यायवाची भारती, शारदा, बाक या फिर उपरोक्त सभी। सरस्वती का पर्यायवाची आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 60 में, और लगभग सभी से बनेगा। उपरोक्त सभी आ जाए तो फिर तो आप लोग आओ देखते ना ताओ और सभी लगा के आते हो, तो यहां पर भी वही करोगे। भारती, शारदा, बाक ये पूरे के पूरे सरस्वती के पर्यायवाची हैं, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इच्छा का बताइए, अमीय, हर्ष, आकांक्षा या फिर रश्मि। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक आपका 61 है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द बताना है और सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर जो इच्छा है, इच्छा का पर्यायवाची है आकांक्षा। क्या है? आकांक्षा। सी नंबर बिल्कुल सही, वेरी गुड। निम्न में से स्वदामिनी का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची बोले सर पूरे पूरे पर्यायवाचियों की तो बाढ़ आ गई, स्वदामिनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बिजली, चंचला, क्षण प्रभा या फिर सिलीमुख, यानी कि 62 का आंसर आपको बताना है। स्वदामिनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं है बताना है। देखते हैं कौन कौन गलत बताता है, क्योंकि सबसे बनेगा इसलिए गलत बताता है, देख रहे हैं हम। ठीक है, तो लगभग सभी लोगों ने आंसर राइट बता दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लक्ष्मी जी ने बस गलत बता दिया, सी नंबर। तो यहां पर आपका सिलीमुख सही है, डी नंबर सही है। खंडहर की आत्माएं के रचनाकार कौन है? खंडहर की आत्मा इसके रचनाकार कौन है? ईलाचंद जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय प्रकाश या फिर मुकुटधर पांडे। प्रश्न क्रमांक 63 में आपको चयन करना है। खंडहर की आत्माएं इसके रचनाकार कौन है? अपन ने कई बार याद करवाया है कि सर खंडहर की जो आत्माएं हैं ये क्या होती हैं, क्या होती हैं? कभी कभी जोश में आ जाती हैं। तो खंडहर की आत्माएं ईलाचंद्र जोशी, यानी एक नंबर आपका बिल्कुल सही है, एक नंबर राइट, एक नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी बता रही भाभी शिक्षिका जी, गलत। अगला क्वेश्चन, कितना बड़ा झूठ कहानी किसकी है? कितना बड़ा झूठ ये कहानी किसकी है? संजय पाठक जी, प्रश्न क्रमांक 64 में बताना है। आरती वर्मा जी भी सी बता दिया उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने सी बता दिया, संतोष कुमार जी भी सी बता रहे, गलत बात। अपन ने पढ़ा था ना खंडहर की आत्माएं जोश में आ जाती हैं, तो जोशी जी है ना। कितना बड़ा झूठ कहानी किसकी है? कितना बड़ा झूठ ये कहानी किसकी है? प्रश्न क्रमांक 64 में, और देखते हैं कौन सही बता पाता है। बताइए, मुकनद जी ने ये बता दिया, सुषमा जी सी बता रही हैं, अंकित जी सी बता रहे हैं, अर्चिता जी भी सी बता रही हैं, लेकिन जिन्होंने सही बताया है उनमें नंबर आता है पूजा सोनकर जी का, ठीक है, बहुत बढ़िया, मोहित जी का, रेखा जी का, उषा प्रियंवदा, बी नंबर सही है, ठीक है। उषा प्रियंवदा की रचना कितना बड़ा झूठ, उषा प्रियंवदा, ठीक है, वेरी गुड। कोठरी की बात कहानी के रचनाकार कौन है? कोठरी की बात, अब बताओ कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए? एक भी गलत हो गया तो सोच लेना, कोठरी की बात, कोठरी की बात किसकी कहानी है? खुरेसी जी,
कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए कोठरी की बात 65 में, और 65 में आपका सही आंसर जा रहा है कि सर जो कोठरी की बात है, कोठरी की बात ये कहानी है, ये अज्ञेय की है, अज्ञेय रहनी चाहिए, अज्ञेय, अज्ञेय, वेरी गुड। याद हो कि ना याद हो, संस्मरण के रचनाकार कौन है? याद हो कि ना याद हो, इस संस्मरण के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रश्न क्रमांक 66 में, और याद हो कि ना याद हो अपन ने पढ़ा है दोस्तों, आपने घातक फिल्म देखी होगी, घातक, घातक फिल्म देखी कि नहीं देखी? देखी है। उसमें क्या बोलते हैं काशीनाथ, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, है ना, आज से तुम मेरी गिरफ्त में काम करोगे, काशीनाथ, याद हो कि ना याद हो, ठीक है। ये काशीनाथ सिंह जी का संस्मरण है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड। जिनके साथ जिया, ये संस्मरण के लेखक कौन है? जिनके साथ जिया, तेज बहादुर चौधरी, प्रतिभा अग्रवाल, मृदुला गर्ग, अमृतलाल नागर। जिनके साथ जिया ये संस्मरण किसका है आपको बताना है, और जिनके साथ जिया वो कौन है, प्रश्न क्रमांक 67 में, और 67 आपको बताना है कि सर जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया, अमृतलाल नागर, वेरी गुड। वो तो अमृत जैसे हैं, कैसे, अमृत, अमृतलाल नागर, वेरी गुड। मैं और केवल मैं, मैं और केवल मैं एकांकी के रचनाकार कौन है? मैं और केवल मैं, प्रश्न क्रमांक 68 का आंसर, मैं और केवल मैं, ये किसका एकांकी है? इस एकांकी के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर, या फिर जैनेन्द्र कुमार, आपको बताना। एक और दोस्तों बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों के लिए जिनको भी लेना है, जिनको भी दोस्तों मॉडल पेपर लेना है, इसी प्रकार के जूनियर टेट का प्रैक्टिस करना है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए 200 फीस कर दी गई है। जितने भी हमारे जो दोस्तों पैड वाले साथी हैं, वो आज रात 12 बजे तक जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं, उनके लिए 200 फीस कर दी गई है, जो भी हमारे साथी हैं, ठीक है। तो मैं और केवल मैं एकांकी के रचनाकार कौन है, 68 का आंसर, और 68 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68 का भगवती चरण वर्मा, ये नंबर जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही है। स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, ये किसकी रचना है? स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास के रचनाकार कौन है, ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 69 का आंसर, और 69 का आंसर बहुत बढ़िया जा रहा है कि सर ये जो स्त्री मुक्ति और संघर्ष है, स्त्री मुक्ति और संघर्ष और इतिहास, ये रमणिका गुप्ता, रमणिका गुप्ता यानी डी नंबर आपका सही है, ठीक है। डी, ये रमणिका गुप्ता जी की रचना है दोस्तों, डी नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? सैद्धांतिक ग्रंथ पूछा है आपसे, आलोचना दर्श, समालोचक, काव्य में रहस्यवाद, या फिर कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी कि 70 का उत्तर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन कौन सही बता रहा है, सही बताने के लिए बहुत बढ़िया आंसर बताया है खुशी मौर्य जी, सी नंबर, काव्य में रहस्यवाद। प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? काव्य में रहस्यवाद, रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है, नई कविता का आत्मसंघर्ष के लेखक कौन है? नई कविता का आत्मसंघर्ष, इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, या फिर मलयज। प्रश्न क्रमांक 71 है, नई कविता का आत्मसंघर्ष के लेखक कौन है? इस 71 का आंसर आपको चयन करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 71 में सीधा सीधा आपका राइट आंसर चला जा रहा है कि सर ये जो नई कविता का आत्मसंघर्ष है, इसके जो लेखक हैं वो लेखक है मुक्तिबोध, ठीक है, मुक्तिबोध, सी नंबर बिल्कुल सही। पंत की कौन सी छायावादी रचना नहीं है? पंत की कौन सी छायावादी रचना नहीं है,
तो कौन सी नहीं है छायावादी रचना, युगवाणी, ग्रंथि, वीणा या फिर पल्लव? पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? 72 का आंसर, और 72 में पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है, राइट आंसर चला जाएगा युगवाणी। युगवाणी यानी आपका ये नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये छायावादी नहीं है तो ये फिर कौन सी है, ये प्रगतिवादी है, ठीक है, ये नंबर बिल्कुल सही। क्वासी, क्वासी किसकी रचना है? क्वासी प्रश्न क्रमांक 73, क्वासी के रचनाकार कौन है बताइए। 73 का आंसर, क्वासी के रचनाकार कौन है, और बहुत ही अच्छा आपका उत्तर जा रहा है 73 में कि सर क्वासी के रचनाकार पूछा है, और क्वासी, क्वासी बताइए क्वासी के रचनाकार कौन है 73 में, देखते कौन कौन सही बता रहा है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही बताया, बालकृष्ण शर्मा नवीन। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किससे माना जाता है? एक और क्वेश्चन, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किससे माना जाता है? झरना, पल्लव, यामा या फिर निहार, बताइए। प्रश्न क्रमांक 74 में, 74 छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी या किसे माना जाता है? 74 का आंसर, और राइट आंसर है झरना, झरना, वेरी गुड, ये नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वार, ये पंक्ति किसकी है? इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वार, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। इन मुसलमान हरिजनन पे, लगभग सभी को पता है कि सर ये पंक्ति तो भारतेंदु जी की है, डी नंबर, वेरी गुड। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है ये आपको चयन करना है। भारतेंदु, प्रेमघन, राधा कृष्णदास और बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। आंसर होगा कि सर आधुनिक हिंदी काव्य का जो वैतालिक कहा जाता है वो कहा जाता है किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, भारतेंदु जी को, वेरी गुड, ए नंबर सही, बहुत बढ़िया। हो होरी, कल ही पढ़ा था अपन ने, कल परसों पढ़ा था, हो होरी ये किसकी कृति है? हो होरी कृति के रचनाकार कौन है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 77 का आंसर, फटाफट से बताएं जल्दी से, पूरे 100 क्वेश्चन आपको कवर करना है, और आपका पता है कि सर हो होरी ये जो है, ये जो रचना है ये अंबिका दत्त व्यास की है, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है, बहुत बढ़िया। इनका जन्म कब हुआ था कोई बताएगा? बताओ, मध्यकालीन धर्म साधना ये किसका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के रचनाकार कौन है? 78 का आंसर, मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखते हैं कौन कौन बता रहा है मध्यकालीन धर्म साधना के रचनाकार, बहुत बढ़िया। 1958 में नहीं, 1858 में, 1858। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर सही है, वेरी गुड। भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? भूत के पांव, भूत के पांव ये किसकी रचना मानी जाती है? 79 में, और 79 का उत्तर बताना है, और भूत के पांव ये जो रचना है दोस्तों ये हरिशंकर परसाई जी की है, ठीक है, बी नंबर आपका सही, वेरी गुड आंसर। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? भावात्मक, वर्णात्मक, विवरणात्मक या फिर विचारात्मक? किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है आपको चयन करना है, और प्रश्न क्रमांक 80 का उत्तर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है प्रश्न क्रमांक 80 में, और 80 का राइट आंसर है कि सर विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व। मैंने निबंध आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था,
विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रधान होता है, डी नंबर आपने लगाया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विचार प्रवाह की रचनाकार कौन है? विचार प्रवाह है, ये निबंध है विचार प्रवाह है, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद, अज्ञेय, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर। 81 में आपको बताना है, और विचार प्रवाह है ये निबंध है, और इस निबंध के रचनाकार अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर हजारों विचारों का प्रवाह होता है, ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक नंबर बिल्कुल सही है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? किस विद्वान ने दिया था देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव? किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, या फिर विनोबा भावे? 82 का आपका आंसर चला गया कि सर सुनीति कुमार चटर्जी ने लिया था, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि बताना है कैसी है, वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, भावात्मक है, या फिर अक्षरात्मक है? देवनागरी लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि कैसी लिपि मानी जाती है? देवनागरी लिपि बताइए, 83 का आंसर, और 83 में आपका राइट आंसर चला गया कि सर देवनागरी लिपि जो है ये अक्षरात्मक लिपि मानी जाती है, डी आपका बिल्कुल सही है, अक्षरात्मक लिपि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि आपको चयन करना है, आपने पढ़ा है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन दोस्तों। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? और प्रश्न क्रमांक 84 में लगभग सभी से आंसर बनेगा, राइट आंसर आपने बताया कि सर भूषण तो रीतिबद्ध हैं, देव भी रीतिबद्ध, केशव भी हैं, आपका उत्तर बिहारी, ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन है ना, ये पंक्ति बताना है आपको, बताइए ये पंक्ति किसकी है? बिहारी, पद्माकर मतिराम, या फिर देव की? अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, ये बताइए ये पंक्ति किसकी है? और ये पंक्ति अविदा उत्तम काव्य है, ये जो पंक्ति है भैया ये पंक्ति है देव कवि की, किसकी है? देव कवि की, डी नंबर आपका सही है, देव कवि आपका राइट आंसर हो जाएगा। रस रहस्य के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन, 86 में बताइए, फटाफट से आंसर देते जाएं, आप लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे, देखो भाभी शिक्षिका जी पद्माकर बता दिया इन्होंने, ये पद्माकर नहीं है, देव कवि की रचना है, अविदा उत्तम काव्य है, ठीक है, देव। रस रहस्य के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है, चिंतामणि, केशवदास, अंकित गुप्ता जी आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे भैया, आंसर बताते जाओ, आप कौन कौन मॉडल पेपर लेगा इसी के चक्कर में आप पढ़े हो। रस रहस्य के रचनाकार आपको बताना, इसके रचनाकार कौन है? चिंतामणि, केशवदास, कुलपति मिश्र, या फिर मतिराम? 86 में आंसर बताना है, और आपका उत्तर हो जाएगा कुलपति मिश्र, सी नंबर आपका सही है, कुलपति मिश्र, ये रस का रहस्य कुलपति, ठीक है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? 87 में स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनने को तो सभी से बनेगा, लेकिन स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले जो हैं वो कौन है? रामकुमार वर्मा, ठीक है, ये नंबर राइट आंसर, रामकुमार बिल्कुल सही है, वेरी गुड। कौल ज्ञान निर्णय, इसके रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ, जालंधरनाथ, गोपीचंद्र, मत्येंद्रनाथ। कौल ज्ञान निर्णय, इसके रचनाकार कौन है? 88 का आंसर, 88 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? और भोलेनाथ, मच्छेंद्रनाथ, मच्छेंद्र से मच्छर, मच्छर क्या होते बोले सर? मच्छर कोल के खाते आपको, कोल के, ठीक है। तो मत्स्येंद्रनाथ याद रख लेना, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते, नाथ पंथ के। पंच पांडव चरितरास के रचनाकार कौन है? पंच पांडव चरितरास इसके रचनाकार आपको बताना है, शालीभद्र सूरी,
आसगु नरपति नाल या फिर दलपति विजय पंच पांडव चरित रास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है और 89 का उत्तर बताना है। 89 और पंच पांडव चरित रास के जो रचनाकार माने जाते हैं दोस्तों, आपने उत्तर बताया है, बताइए 89 में कौन है? शालीभद्र सूरी, जिन्हें की गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना। ये नंबर बिल्कुल सही है। पुस्तक जल्लड़ हत्य दे चल गजन रपकाज, जल्लड़ का आपको बताना है दोस्तों, ये जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का इसमें वर्णन किया गया है? कौन सी पुस्तक देने का? बीसल देव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर विजयपाल रासो? पुस्तक जल्लड़ हत्य दई चली गज्जन रपकाज, इसमें जल्लड़ के बारे में बताना कि जल्लड़ को कौन सी पुस्तक दिए जाने का वर्णन है। प्रश्न क्रमांक 90 में 90 का उत्तर बताइए और आपका सही आंसर चला गया पृथ्वीराज रासो। ठीक है, बी नंबर पृथ्वीराज रासो, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। रंगदे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? रंगदे बसंती चोला सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, विनोद रस्तोगी। 91 रंगदे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? 91 का आंसर आपसे पूछा गया है और आपने उत्तर बता दिया है कि सर यहां पर उत्तर है भीष्म साहनी। बहुत बढ़िया, रंगदे बसंती चोला भीष्म साहनी, छी नंबर सही है। भुवनेश्वर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भुवनेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक नाटक के लिए, समस्या नाटक के लिए, सामाजिक नाटक के लिए या फिर असंगत नाटक के लिए? भुवनेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? 92 का आंसर आपको चयन करना है, उत्तर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध हैं 92 में? और 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर ये जो भुवनेश्वर हैं ये असंगत नाटक के लिए जाने जाते हैं। असंगत नाटक है ना, इन्होंने आपकी एक तांबे के कीड़े, आपने इनकी दोस्तों रचना पढ़ी होगी तांबे के कीड़े। और यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही। किस शब्द में दिगु समास है बताइए? दिगु समास किस में है? अच्छा क्वेश्चन है, दिगु समास तो आपसे बनेगा ही। दोपहर, नीलकंठ, कनफटा या फिर मंद बुद्धि, किस में दिगु समास है आपको बताना है? दिगु समास किस में है? और लगभग सभी को पता है कि सर संख्यावाची दिगु, दिगु यानी कि ए नंबर सही है। दोपहर में दिगु समास है, वेरी गुड। किस क्रम में बहुव्रीही समास है? बहुव्रीही समास का उदाहरण नहीं है पूछा है, बताइए कौन सा नहीं है? सिंहवाहिनी, हिरण्यगर्भ, वसुंधरा या फिर देशवासी? बहुव्रीही समास किस में नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुव्रीही समास किस में नहीं है? 94 का आंसर, 94 का आपका सही आंसर क्या जा रहा है? बहुव्रीही समास नहीं है। तो किसमें नहीं है आंसर चला गया कि सर बहुव्रीही समास पूछा है तो देशवासी। बाकी दोस्तों डी नंबर लगाना 94 में डी, बहुत बढ़िया, देशवासी में नहीं है। रामवृक्ष बैनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा व्रत की है? कौन सी कृति यात्रा व्रत की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर या फिर मेरी यूरोप यात्रा? रामवृक्ष बैनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा व्रत संबंधी है? यात्रा व्रत संबंधी कौन सी कृति है? 95 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 95 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर रामवृक्ष बैनीपुरी की जो कृति यात्रा व्रत संबंधी है वो है पैरों में पंख बांधकर, यानी कि आपका सी नंबर पैरों में पंख बांधकर बिल्कुल सही है। उड़ते चलो यात्रा व्रत के रचनाकार कौन है? उड़ते चलो यात्रा व्रत के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, सत्यनारायण, रामवृक्ष बैनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। उड़ते चलो यात्रा व्रत के रचनाकार कौन है? 96 का आंसर उड़ते चलो और वृक्ष पर बैठ जाओ, वृक्ष पर, तो राम वृक्ष बैनीपुरी, सी नंबर आपका सही, वेरी गुड। एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर
कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नदी यशस्वी है, डूबते मस्तूल, यह पथबंधु था या धूमकेतु, एक श्रुति, एक स्वाभिमानी, अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ये 97 का आंसर पूछा गया है। प्रकांशा जी ने बिल्कुल सही बताया कि सर यह पथबंधु था, सी नंबर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देहाती दुनिया के लेखक कौन है? 98 का आंसर देहाती दुनिया, निराला, शिवपूजन सहाय, उपेन्द्रनाथ या फिर प्रेमचंद। देहाती दुनिया, देहाती दुनिया में क्या होता है? बोले सर शिव की पूजन ही सहाय होती है। देहाती दुनिया में शिव की पूजन ही सहाय होती है, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर शिवपूजन सहाय, वेरी गुड। तरुण के स्वप्न आत्मकथा के लेखक कौन है? तरुण के स्वप्न, तरुण के स्वप्न ये किसकी आत्मकथा है? 99 का आंसर, और लगभग सभी से पूरा बनना चाहिए। तरुण के स्वप्न आत्मकथा के लेखक कौन है? राइट आंसर है, राइट आंसर है बोले सर सुभाष चंद्र बोस, बी नंबर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कहीं ना जाए का कहिए लेखक कौन है इसके? कहीं ना जाए का कहिए ये लेखक आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। और जूनियर सुपर टेट का जो मॉडल पेपर है सिर्फ आप लोगों के लिए, पैड वालों के लिए, जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए ये रात 12 बजे तक 200 रुपये कर दिया गया है इसका प्राइस। तो जिनको भी इसमें प्रैक्टिस करना है, 200 में 2000 क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे, एक के 100-100 नंबर के मॉडल पेपर जिसमें व्याकरण और साहित्य दोनों सम्मिलित रहेगा। कहीं ना जाए का कहिए कि लेखक कौन है, प्रश्न क्रमांक 100 में, और आपका उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों के लिए, और अध्ययन करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों, और इसी प्रकार से निरंतर आपको अध्ययन करना है, ठीक है। सभी लोग जुटे रहें अपनी तैयारी में, और जो जो आपके दोस्तों बाकी रह गए हैं उनकी तैयारी जरूर करें, ठीक है। और दोस्तों लाइक करें और लगे रहें अध्ययन में, ठीक है, बहुत बढ़िया। जय हिंद।